हेलो डियर स्टूडेंट, मैं गोविंद लोहिया। वेलकम टू दी पार्ट फोर ऑफ द आईसीएस स्टेबिलिटी टेस्टिंग गाइडलाइन। अभी तक हमने Q1A R2 गाइडलाइन ड्रग सब्सटेंसेस और ड्रग प्रोडक्ट के लिए देखी। आज हम लोग Q1B को ओवरलुक करेंगे, या चलते हैं हम लोग Q1B की गाइडलाइन पे सीधा। सो स्टेबिलिटी टेस्टिंग Q1B यूजुअली फोटो स्टेबिलिटी टेस्टिंग गाइडलाइन है। हम लोग यहां से देखते हैं, जिसको हमने ICH की वेबसाइट से डाउनलोड किया है। दिस इज स्टेबिलिटी टेस्टिंग फोटो स्टेबिलिटी टेस्टिंग ऑफ द न्यू ड्रग सब्सटेंस एंड प्रोडक्ट Q1B। अगेन दिस इज अ 12 पेज डॉक्यूमेंट इम्प्लीमेंटेड इन नवंबर 1995। हम लोग सीधा ये गाइडलाइन के हमारे प्रेजेंटेशन पे चलते हैं। सो जनरल लाइट टेस्टिंग फॉर ड्रग सब्सटेंसेस एंड ड्रग प्रोडक्ट इज अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ द स्ट्रेस टेस्टिंग एंड वी नीड टू इनकॉर्पोरेट इनटू द सबमिशन टुवर्ड द रेगुलेटरी एजेंसीज। इंट्रोडक्शन। फोटो स्टेबिलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए न्यू ड्रग सब्सटेंसेस एंड प्रोडक्ट। नॉर्मली फोटो स्टेबिलिटी टेस्टिंग इज कैरिड आउट ऑन अ सिंगल बैच। अंडर सम सर्कमस्टेंसेस दिस स्टडी शुड बी रिपीटेड इफ द सर्टन वेरिएशन एंड चेंजेस आर मेड टू द प्रोडक्ट, एग्जाम्पल फॉर्मुलेशन और पैकिंग। हम लोग इसका एक फ्लो चार्ट देखेंगे कि हम लोग कुछ चेंजेस करेंगे तो कैसे हमारा टेस्ट प्रोटोकॉल चेंज होगा या कैसे हमें फिर से इसको रीटेस्ट करना है। ओके, सो यूजुअली फोटो स्टेबिलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर द न्यू ड्रग हमें देना ही देना है। हम लोग सिंगल बैच पे करेंगे, अगर हमने कोई चेंजेस की तो हमें फिर से एक बार टेस्ट करके बताना है फोटो स्टेबिलिटी टेस्टिंग। जनरेशन ऑफ अ फोटो स्टेबिलिटी इंफॉर्मेशन फॉर सबमिशन इन रजिस्ट्रेशन डज नॉट कवर द फोटो स्टेबिलिटी ऑफ ड्रग्स आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन, दैट इज अंडर द कंडीशन ऑफ यूज। Once it is, that means if it is ampoule के अंदर हमारा ड्रग कंटेंट है, हमने इसकी फोटो स्टेबिलिटी की है। Once the ampoule is break for syringeability purpose, then the photo stability is not covered, है ना। तो ये गाइडलाइन का मतलब या इस सेंटेंस का मतलब यही होगा कि हमारा एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम डॉक्टर आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन ये कवर नहीं होगा। कभी कभी क्या होता है कि कोई टॉपिकल एप्लीकेशन है जो कि स्किन पे लगाया है और स्किन पे लगाने के बाद पेशेंट एक्सपोज हुआ है सनलाइट को या पेशेंट लाइट को एक्सपोज हो रहा है, देन इट इज नॉट कवर्ड ओवर हियर। सो टेस्ट ऑन द ड्रग सब्सटेंसेस ये क्या क्या कवर करता है। टेस्ट ऑन द ड्रग सब्सटेंस, टेस्ट ऑन एक्सपोज ऑफ ए ड्रग प्रोडक्ट आउटसाइड द इमीडिएट पैक एंड इफ नेसेसरी द टेस्ट ऑन द ड्रग प्रोडक्ट इन द इमीडिएट पैक एंड अगेन इफ नेसेसरी देन टेस्ट ऑन द ड्रग प्रोडक्ट इन द मार्केटिंग पैक। तो ये क्या क्या कवर करते हैं, हम लोग क्या देख रहे हैं। टेस्ट ऑन द ड्रग सब्सटेंस इटसेल्फ, ड्रग सब्सटेंस के ऊपर, देन टेस्ट ऑन द एक्सपोज ड्रग प्रोडक्ट आउटसाइड इमीडिएट पैक, उसके अलावा टेस्ट ऑन द ड्रग प्रोडक्ट इमीडिएट पैक के अंदर एंड टेस्ट ऑन द ड्रग प्रोडक्ट विच इज एग्जैक्टली इन द मार्केटिंग पैक। तो ये सब चीजें हम लोग देखेंगे स्टेबिलिटी के अंदर, फोटो स्टेबिलिटी के अंदर। लाइट सोर्सेस, ओके, इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टू एक्सपोज द प्रोडक्ट फॉर अ लाइट फॉर अ शेड पीरियड, आइदर मेंटेन एन एप्रोप्रिएट कंट्रोल ऑफ टेम्परेचर टू मिनिमाइज द इफेक्ट ऑफ लोकलाइज टेम्परेचर चेंज और इंक्लूड अ डार्क कंट्रोल इन द सेम इन्वायरमेंट अनलेस अदरवाइज जस्टिफाइड। आपको पूरी की पूरी प्रोसेस जो है एक कंट्रोल टेम्परेचर कंडीशन में करना है, जिसमें आपका टेस्ट सैंपल एज वेल एज कंट्रोल सैंपल होगा। अगर आप कुछ चेंज करते हो तो उसका जस्टिफिकेशन आपको देना है, अदरवाइज द एंटायर प्रोसीजर यू नीड टू परफॉर्म इन अ डार्क कंट्रोल इन्वायरमेंट। ऑप्शन वन, एनी लाइट सोर्स दैट इज, दैट मींस हम लाइट सोर्स के लिए दो ऑप्शन है हमारे पास। ऑप्शन वन में एनी लाइट सोर्स दैट इज डिजाइन टू प्रोड्यूस एन आउटपुट सिमिलर टू अ D65 इज नथिंग बट द लाइट सेम एज दैट ऑफ द डे लाइट स्टैंडर्ड सच एन आर्टिफिशियल डे लाइट।
फ्लोरोसेंट लैंप कंबाइनिंग द विजिबल एंड अल्ट्रावायलेट आउटपुट ज़ेनॉन और मेटल हैलाइड लैंप. यूजुअली दिस लाइट एक्सपोज द फ्लोरोसेंट लैंप कंबाइनिंग विजिबल और अल्ट्रावायलेट लैंप. नाउ सो ID50 इज द इक्विवेलेंट इंडोर इनडायरेक्ट डे लाइट स्टैंडर्ड. ओके और नेक्स्ट. फॉर अ लाइट सोर्स इमिटिंग द सिग्निफिकेंट रेडिएशन बिलो 320 नैनोमीटर, अगर हमारे पास कोई लाइट सोर्स है जिसका रेडिएशन इससे कम हो तो वी नीड टू सेट अप द फिल्टर्स फॉर द अप्रोप्रिएट इरेडिएशन और इल्यूमिनेशन ऑफ सच रेडिएशंस, बिकॉज दीज आर द यूवी रेडिएशन विच मे डिटोरिएट टूअर्ड द प्रोडक्ट्स. सो अगर इसके नीचे बहुत ज्यादा रेडिएशन होगा 320 नैनोमीटर के नीचे, वी नीड टू मेक अ इल्यूमिनेशन ऑफ फिल्टर्स. ऑप्शन टू. फॉर ऑप्शन टू द सेम सैंपल शुड बी एक्सपोज टू बोथ द कूल व्हाइट फ्लोरोसेंट एंड नियर अल्ट्रावायलेट लैम्प. दिस इज ऑप्शन टू. अ नियर यूवी फ्लोरोसेंट लैम्प हैविंग अ स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम 320 नैनोमीटर टू 400 नैनोमीटर विद अ मैक्सिमम एनर्जी इमिशन बिटवीन 350 टू 370 नैनोमीटर. सो फॉर सेकेंड इफ वी एक्सपोज द कूल व्हाइट फ्लोरोसेंट एंड नियर अल्ट्रावायलेट लैम्प, फॉर फर्स्ट इट इज अ डे लैम्प D65 और ID65 emission standard. For both option 1 and 2, pharmaceutical manufacturer or applicant may rely on the special distribution specification of the light source manufacturer, because these are the source are given by the manufacturer of the light. Again, apart from that, we need to analyze the spectral analysis of the lamp. So procedure, sample should be exposed to light providing an overall illumination of not less than 1.2 million lux hours. So this is important, 1.2 million lux hours. Apart from that, integrated or near ultraviolet energy of not less than 200 watt per hours square meter to allow the direct comparison to be made between the drug substance and the drug product. So this process is applicable for drug substance and drug product. So यहां हम लोग बात करेंगे कि इल्यूमिनेशन ऑफ नॉट लेस देन 1.2 मिलियन लक्स आवर्स. अगर हम लोग इंटीग्रेटर नियर अल्ट्रावायलेट एनर्जी के बारे में बात कर रहे हैं तो नॉट लेस देन 200 वाट आवर्स पर स्क्वायर मीटर ये होना चाहिए. दैट इज, दिस इज अबाउट द एरिया, यानी आपने सैंपल का एरिया कितना रखना है, यहां पे आपने टाइम कितना देना है ये दिया है. सैंपल में भी एक्सपोज साइड बाय साइड विथ अ वैलिडेटेड केमिकल actinometric system to ensure the specific light exposure is obtained. That is sample, ये हम लोग validated chemical actinometric system के साथ deal करेंगे और यहां हम लोग रखेंगे sample को. Now, let's start with the procedure. अगर हम लोग करते हैं, sample रखा, start किया हमने, हमने अभी तक lamp sense किया, sample preparation किया और हमने sample रखा, direct expose किया. अगर डायरेक्ट एक्सपोजर में एक्सेप्टेबल चेंज मिलते हैं या नहीं मिलते हैं, अगर एक्सेप्टेबल चेंज मिले यस, देन यही के यही हमारी टेस्ट एंड हो जाएंगी सैंपल रखने के बाद. इफ देयर इज नो एक्सेप्टेबल चेंज तो हम लोग इस पैकेजिंग को इमीडिएट पैक में ट्रांसफर कर देंगे. इफ देयर इज एक्सेप्टेबल चेंज ऑकर्स, अगर मिलता है तो हम लोग इसको टेस्ट एंड हो जाएंगे, यस यही पे खत्म हो जाएगा हमारा प्रोटोकॉल. अगर नहीं मिलता है देन वी कैन गो विद द मार्केटिंग पैक, और मार्केटिंग पैक को हम लोग फिर से टेस्ट करेंगे फोटोस्टेबिलिटी के लिए. अगर एक्सेप्टेबल चेंज मिलता है देन अगेन टेस्ट एंड यहां पर. अगर हमारे पास एक्सेप्टेबल चेंज नहीं मिलता है तो हम लोग बात करेंगे यस टेस्ट एंड, देन रीडिजाइन द पैकेज और रिफॉर्मुलेशन हम लोग फिर से जाएंगे. अब हमने यहां पर क्या काम किया है फॉर्मुलेशन चेंज में, अगर हमारे पास यहां चेंज मिलता है तो फॉर्मुलेशन में चेंज किया हमने. ओके देन फॉर्मुलेशन चेंज किया तो हम लोग यस यहां से सीधा आगे जाएंगे. इफ वी डिड नॉट चेंज विद द फॉर्मुलेशन, अगर हमने फॉर्मुलेशन में नहीं चेंज किया और हमने इमीडिएट पैकेजिंग में चेंज किया यस, देन अगेन यहां से आएंगे. अगेन हमारे पास यहां पर नो, हमने अगर इमीडिएट पैकिंग में चेंज नहीं किया, मार्केटिंग पैकिंग में चेंज किया, देन ये यहां से. तो दिस इज ऑल अबाउट फ्लो डायग्राम फॉर द फोटोस टेस्टिंग ऑफ ए ड्रग प्रोडक्ट. तो यहां पे हम लोग चलते हैं. सो ड्रग सब्सटेंसेस के बारे में अगर ये, दिस इज कैन बी एप्लीकेबल फॉर ड्रग प्रोडक्ट एज वेल एज ड्रग सब्सटेंसेस.
drug substances. For a drug substances, photostability testing should be consist of two part, force degradation testing and confirmatory testing. Again, this can be applicable for drug product, force degradation and confirmatory testing. So, in force degradation method development, this particular force degradation is used for the method development purpose and degradation pathway elucidation. This testing may be involve the drug substance alone and or in a simple solution suspended to validate the analytical procedure. क्योंकि हमें validation करना है analytical process का, तो ये तो simple drug substance alone expose करेंगे हम लोग light को, या तो in solution or suspension करेंगे. In the studies, the sample should be chemically inert and transparent to the container. That means हमारा जो sample रखा जाएगा वो ऐसे container में है जो कि chemically inert है और transparent container है. In this, the false degradation study, a variety of exposure conditions may be used depending on the photosensitivity of the drug substance and the intensity of the light source used. False degradation के लिए हमें हमारा substance जो है photo stable है, photo labile है या और कोई चीज है, इस basis पे हमें exposure conditions decide करना है. Under false condition, decomposition of the products may be observed that are unlikely to be formed under the condition used in the confirmatory studies. False condition हम लोग इसीलिए डाल रहे हैं कि हमारे पास कुछ photostable या product मिलेंगे, byproduct होंगे या degradation product होंगे जो कि confirmatory testing में नहीं मिल सकते हैं, मगर false degradation testing में मिलेंगे. उसके लिए confirmatory studies should then be undertaken to provide the information necessary for handling, packing and labeling procedure. So this confirmatory testing is only for the handling purpose, packing purpose and labeling purpose, while the stress testing procedure or force degradation testing procedure is for the method development purpose, for the what we are going to say, decomposition products analysis. Normally only one batch of the drug substance is tested during the development phase. The same statement can be repeated with the drug products. If the result of the confirmatory study are equivalent or equivocal, testing up to the two additional batches should be conducted. Agar hamare paas confirmatory studies ki analysis jo milta hai, it is not satisfactory aur kuch hamare paas proper nahi mil raha hai, to hame fir se do additional batches ke upar ye study karna padengi. Presentation of sample, yes, physical characteristics of the sample under test are taken into the account, that is minimum changes in the physical state such as sublimation, evaporation or melting. ये हमें देखना पड़ेगा कि sample का हम लोग physical characteristics ना change हो test करते वक्त. Possibility of interaction between the sample and the material used for the contain or for general protection of the sample should also be considered and eliminate whenever not relevant to the test being carried out. हमने जिसमें टेस्ट करने वाले उसका हमारे पास सैंपल के साथ कोई इंटरेक्शन तो नहीं है या और कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा उससे, ये भी हमें ध्यान में रखना पड़ेगा. As a direct challenge for a sample of a solid drug substances, an appropriate amount of sample should be taken and placed in a suitable glass or plastic dish and protected with a suitable transparent cover if considered necessary. वैसे ही लिक्विड सैंपल, वैसे ही सॉलिड ड्रग सब्सटेंसेस शुड बी स्प्रेड अक्रॉस द कंटेनर टू गिव द थिकनेस ऑफ टिपिकली मोर देन 3 मिलीमीटर की थिकनेस होना जरूरी है, लाइक पाउडर बेड हो या और कुछ. ड्रग सब्सटेंसेस आर लिक्विड शुड बी एक्सपोज इन अ केमिकली इनर्ट एंड ट्रांसपेरेंट कंटेनर, अगर कोई लिक्विड कंटेनर कंपोजिशन हो तो. एनालिसिस ऑफ द सैंपल, चेंजेस इन अ फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक अपीयरेंस, क्लैरिटी और कलर एंड ऐसे and degradant, ये हमें note down करना पड़ेगा. Where solid drug substances samples are involved, sampling should be ensured that representative portion is used in the individual test. Similar sampling considered such as a homogenization of the entire sample apply to other materials that may not be homogeneous after exposure. ये हमें homogeneous करके ही लेना है, अगर वो homogeneous ना हो after test. The analysis of the exposed sample should be performed with the control if these are used in the test. Control अगर रखा है तो उसका भी analysis करना है. Judgment of the result, that is false degradation and confirmatory studies. This is based on the false degradation and confirmatory studies. हम लोग judgment के बारे में बात करने वाले हैं कि हमारा sample comply the test or doesn't comply the test. तो ये हमने इसके पहले ही देखा था कि उसमें फिजिकल अपीयरेंस में कुछ चेंज हो रहा है, ऐसे में कुछ चेंज हो रहा है, कोई और प्रॉब्लम हो रहा है, तो ये यहां से होगा. ओके,
सो यहां हमारा खत्म हुआ Q1B। थैंक यू।